हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज हम करें हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन दिया गया है माइकोप्लाज्मा, माइकोराइजा, यूग्लिना या फिर ट्रिप्नोसोमा। तो यहाँ पे ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कम अंडर द ग्रुप क्राइसोफाइट्स, यानी क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन से इसके अंदर आते हैं। ऑप्शन ए है डाइएटम्स एंड यूग्लिना, बी है यूग्लिना एंड ट्रिप्नोसोमा, सी है डाइएटम्स एंड डेस्माइड एंड डी है गोनियोलॉक्स एंड डेस्माइड। तो देखिए, क्राइसोफाइट से बहुत बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डाइएटम्स एंड डेस्माइड। जो डाइएटम्स और डेस्माइड्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, यानी एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स का कौन सा एग्जाम्पल। ऑप्शन है ट्रिप्नोसोमा, पैरामीशियम, गोनियोलॉक्स या फिर एंटा अमोइबा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका ट्रिप्नोसोमा आता है, ट्रिप्नोसोमा एग्जांपल है फ्लेजिलेटेड का, और जो आपका पैरामीशियम आता है वो एग्जांपल है सीलिएटेड का, जो आपका गोनियोलॉक्स है वो एग्जांपल आपका डाइनोफ्लेजिलेट्स का, वहाँ पे जो एंटाइमोइबा है वो एग्जांपल आपका किसका, एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स का। इसके अलावा ये पैरासाइट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ऑप्शन ए दिया गया एगेरिकस, बी दिया गया अल्टरनेरिया, सी दिया गया न्यूरोस्पोरा एंड डी दिया गया है म्यूकर। तो यहाँ पे जो ये प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिख रखा है दैट द न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज कॉल्ड। जो वायरस के अंदर कैप्सिड होते हैं उसकी सब यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन है कोर, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड या फिर कैप्सोमर। तो ये भी प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्या, ऑप्शन डी कैप्सोमर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। हमें यहाँ पे बताना है कौन सी एक वायरल डिजीज नहीं है। ऑप्शन दिया गया एड्स एंड मम्प्स, बी दिया गया स्मॉल पॉक्स एंड हर्ब्स, सी दिया गया इन्फ्लुएंजा एंड डी दिया गया है कोलेरा। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है ये भी प्योर एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे जो कोलेरा डिजीज है वो वेब बैक्टीरिया से होती है, ना कि वायरस से, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डाइकेरियन फॉर्मेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा यहाँ पे डाइकेरियन बनता है। ऑप्शन दिया गया एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, बी दिया गया फाइकोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, सी दिया गया एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज, डी दिया गया फाइकोमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। तो ये भी प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है डाइकेरियन का मतलब होता है टू न्यूक्लियाई पर सेल, और यहाँ पे ब्रैकेट में साफ साफ लिख रखा है फंजाई के अंदर दैट द एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज शो एन इंटरवीनिंग फेज दैट इज कॉल्ड डाइकेरियन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट का करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया दे आर पैरासिटिक फॉर्म विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स, बी दिया गया दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, सी दिया गया दे हैव ए इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल लेयर डिपॉजिटेड विद सिलिका एंड डी दिया गया दे आर कॉमनली कॉल्ड डाइनोफ्लेजिलेट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, जो इनके इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती है जिसके अंदर सिलिका भी डिपॉजिट होती है, किसके अंदर, क्राइसोफाइट्स के अंदर, और ये कई चीज़ों में यूज होती है जिसे हम सिलिका डायटेमिशियस अर्थ बोलते हैं, जो कि आपके ऑयल फिल्ट्रेशन वगैरह में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है, 5 स्टेटमेंट, और फिर हमें करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फंजाई। सेकेंड है, इन मल्टी सेलुलर फॉर्म हिपी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। थर्ड है, कोनिडियो फोर प्रोड्यूस कोनिडिया स्पोर्स एक्जोजीनियसली इन चेन। फोर्थ है, सेक्सुअल स्पोर्स आर एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन चेन। एंड फिफ्थ है, फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एस्को कार्प। आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्लास ऑफ फंजाई विच हैव ऑल द अबाव गिवन करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये कौन सी क्लास के अंदर आती है। ओके, ऑप्शन दिया गया फाइकोमाइसिटीज, बी दिया गया सेक फंजाई, सी दिया गया क्लब फंजाई एंड डी दिया गया फंजाई इम्परफेक्टाई। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेक फंजाई। ओके, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है दैट एस्कोमाइसिटीज जो होती है वो, उसको हम कॉमनली नोन एज सेक फंजाई भी बोलते हैं।
ओके तो यहाँ पे ये जितने भी आपके एस्कोकार्प वगैरह जितनी भी लाइनें हैं वो सब किसके लिए की लिखी गई है, वो लिखी गई है एस्कोमाइसिटीज़ के लिए, जो कि आपको कॉमनली कॉल्ड सेक फंजाई भी बोलते हैं। क्लब फंजाई हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टीओडाइनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वॉज स्मॉलर देन वायरस एंड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इट कॉज पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सेकेंड है इट हैज फ्री आरएनए, थर्ड है मोलिकुलर वेट ऑफ आरएनए इज लो। आइडेंटिफाई द इन्फेक्टियस एजेंट, यहाँ पे हमें कौन सा बताना है कि ये कौन सा एजेंट है। ऑप्शन है वायरसेस, बी है वायरोइड, सी है वायरोइन एंड डी है माइकोप्लाज्मा। ये भी प्योर एनसीईआरटी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने जितनी भी लाइनें लिखी है वो किसके लिए लिखी है, वो लिखी है वायरोइड्स के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया इज इनकरेक्ट। हमें बताना कि साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है इट हैज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकंड है दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, सी है इट फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज एंड डी है इट इज यूनिसेलुलर कॉलोनियर और फिलामेंटस मेराइन और टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया। तो देखिए, जो आपका साइनोबैक्टीरिया होते हैं उसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और वो जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ना कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द क्लास ऑफ फंजाई गिवन इन कॉलम वन विद देयर एग्जांपल गिवन इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें क्लास ऑफ फंजाई दी गई है, इधर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, हमें बताना है कि कौन सी क्लास का कौन सा एग्जाम्पल है। ओके, फर्स्ट दिया गया एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इधर दिया गया राइजोपस, पेनिसिलम, उस्टिलागो एंड अल्टरनेरिया। तो ओके, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आ जाता है एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम एग्जांपल है वो किसका है, हमारा एस्कोमाइसिटीज का। सेकेंड आता है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज का क्या आएगा, उस्टिलागो। जो थर्ड हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज है, ड्यूट्रोमाइसिटीज हमारा होता है किसमें, अल्टरनेरिया के अंदर। ओके, एंड जो फाइकोमाइसिटीज होता है, फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, हमारा राइजोपस होता है। तो अब देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, जो केवल एक में ही जा रहा है, फिर भी हम बाकी आगे मिला लेते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हमारा जो बी जो है वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। डी जो हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम वन विद देयर डिस्कवरी गिवन इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें डिस्कवरी वगैरह दिए और साइंटिस्ट के नाम दिए, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट मेयर, बी है विटेकर, सी है पाश्चर, डी है डाइनियर। इधर दिया गया डिस्कवर्ड वायरॉइड्स, गेव द नेम वायरस, प्रपोज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखिए, जैसे ये यूनिट स्टार्ट होती है, सबसे पहला जब चैप्टर स्टार्ट होता है द लिविंग वर्ल्ड, उससे पहले जो है यहाँ पे एक साइंटिस्ट दिए गए हैं आपके लेफ्ट साइड में पेज पे, वहाँ पे अर्नेस्ट मेयर जो वो साइंटिस्ट दिए गए हैं, और वहाँ पे साफ साफ लिख रखा है दैट अर्नेस्ट मेयर आर द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो ए जो है वो हमारा जाना चाहिए किसके साथ, फोर्थ के साथ। आर एच विटेकर जो थे उन्होंने क्या किया था, फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, तो यहाँ पे आएगा थर्ड के साथ। जो पाश्चर थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर नेम वायरस उन्होंने दिया था। जो टी और डाइनियर थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था आपका वायरोइड्स। तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर कैसा होना चाहिए। ए जो है वो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ए फोर्थ के साथ केवल एक में जा रहा है, बट फिर भी आगे देख लेते हैं। बी जो है वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है वो हमारा सेकेंड के साथ, ये भी करेक्ट है। और डी जो हमारा फर्स्ट के साथ, ये भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डायग्राम से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी गिवन बिलो। यहाँ पे हमें ये बताना है कि ए बी सी यहाँ पे कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया यूग्लिना पैरामीशियम एगेरिकस, बी दिया गया यूग्लिना प्लेनेरिया एगेरिकस, सी दिया गया प्लेनेरिया पैरामीशियम एगेरिकस, डी दिया गया यूग्लिना पैरामीशियम एंड एस्परजिलस। तो अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम ध्यान से देखते हो तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है वो है यूग्लिना के साथ, बी जो है वो पैरामीशियम का, और सी जो है वो एगेरिकस का है। तो यहाँ पे इसका लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2015 का है, जो पहले एग्जाम हुआ था कैंसिल कर दिया गया था, फिर दोबारा से एग्जाम लिया गया था, जो कैंसिल हुआ था उसी पेपर का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट इन, जो आपका ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो किसके अंदर एबसेंट होता है, तो इनडायरेक्टली जो वो हमसे प्रोकैरियोट पूछ रहे हैं। ऑप्शन दिया गया वोचेरिया, वोल्वेक्स, एनाबेना एंड म्यूकर। तो यहाँ पे जो ये भी प्योर एनसीईआरटी है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा एनाबेना, क्योंकि एनाबेना जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ओके, यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं ये, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा नीट 2014 से है। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आरएच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे आरएच विटेकर ने कौन सा यहाँ पे बेस नहीं लिया था फाइव किंगडम के अंदर? ऑप्शन ए दिया गया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बी दिया गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सी दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डी दिया गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिया है, यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दिया है, बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने कुछ नहीं बोला है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिया है और कॉम्प्लेक्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने लिया है, यानी कैसा टिश्यू लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है कैसा है, बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कर्नाटका स्टेट में जब नीट 2013 में कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था, तो यहीं से क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। तो हमें एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए दिया गया दे लेक ए रिजिड सेल वॉल, बी दिया गया दे आर हेट्रोट्रॉप्स, सी दिया गया दे लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डी दिया गया दे आर फेगोट्रॉप्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए लेक ए रिजिड सेल वॉल नहीं, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है, तो दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं हमेशा। ओके, दे लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी नहीं, उनके पास जो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।